हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हडपसर पुणे से। मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स है उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी एनकरेज कर रहा है नए नए वीडियो बनाने के लिए। बेसिकली कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग लिख के भेजते हैं कि डॉक्टर प्रेगनेंसी में फ़िश खा सकते क्या, फ़िश सेफ रहेगा क्या प्रेगनेंसी में। बहुत सालों से चलता आया हुआ मिथ है, लोग और घर के लोग और पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कंसल्टेशन के वक्त पूछते हैं कि डॉक्टर प्रेगनेंसी में फ़िश खा सकते क्या, फ़िश कौन सा फ़िश खाए कौन सा न खाए, ये आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हर फिश में थोड़ा बहुत मर्क्यूरी करके एलिमेंट रहता है जो बच्चे के लिए सेफ नहीं रहता है। तो जो फिश जिसमें मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा कम रहेगा वो फिश आप सेफली प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी रिच फिश है वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। अभी प्रेगनेंसी में फ़िश खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो लोगों पहले से प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले हम लोग को मिलते हैं तो हम लोग उनको डाइट में फ़िश इंक्लूड करने को बोलते हैं, क्योंकि फ़िश बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो एज ए एंटी ऑक्सीडेंट काम करता है, आपके सेल का टिश्यू का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है। बाकी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि फ़िश में विटामिन ए है, ई है, B12 है, बहुत सारा रिच सोर्स ऑफ आयोडीन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। तो फ़िश का प्रोटीन सप्लीमेंट जो है आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चे का नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। दूसरा कि बच्चे का आईसाइट अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बच्चे के जो आईज का विजन है वो अच्छा रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट, बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ेगा। बाकी भी बहुत सारे फ़ायदे हैं फ़िश के, कि फ़िश का लैक्टेशन में मिल्क बढ़ने के लिए भी हेल्प होती है। दूसरा, एबॉर्शन और प्री मैच्योर बर्थ होने की रिस्क भी कम हो जाती है। मदर रिलेटेड भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, एज अ एंटी ऑक्सीडेंट मदर को लेग्स में क्रैम्प्स आना, मसल्स में पेन होना, माइल्जिया होना, वीकनेस होना, बैक पेन होना, ये प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। अभी फ़िश खाते वक्त आपको कौन सी प्रिकॉशन फॉलो करना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्लीन एंड हाइजीनिक प्लेस से फिश परचेस करना है। जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्लेसेस रहेंगे वहाँ से खरीदा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अच्छे से बॉईल करके फ़िश प्रेगनेंसी में खाना है। आप अगर रॉ या कच्चा फ़िश या कम बॉईल फ़िश खा रहे तो आपको फूड इन्फेक्शन होके साल्मोनेला या लिस्टेरियोसिस जो फूड इन्फेक्शन से होते हैं वो होने के चांसेस रहेंगे। अभी फ़िश कितने अमाउंट में खाना है, कम से कम 2-3 सर्विंग्स पर वीक रिकमेंड करते हैं। जो लो मर्क्यूरी फ़िश है वो आप प्रेगनेंसी में सेफली खा सकते हैं। अभी हम लोग मर्क्यूरी रिच फिश जो है वो प्रेगनेंसी में खाने को क्यों नहीं बोलते। बेसिकली जो मर्क्यूरी रहता है वो मर्क्यूरी करके एलिमेंट जो है वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इन जनरल अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी को अगर एक्सपोजर हुआ इंट्रायूटराइन फिटस को, तो वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में डिफेक्ट आ सकते हैं, आगे चल के लर्निंग डिसेबिलिटी या सीवियर ब्रेन डैमेज हो सकता है, या बच्चों का जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी कम हो सकता है, बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी को एक्सपोजर बेबी को करा तो। तो फ्रेंड्स, आपको मर्क्यूरी रिच फिश प्रेगनेंसी में नहीं खाना है। तो वो कौन से फिश आते हैं जिसमें शार्क आता है, स्वॉर्ड फिश आता है, टेल फिश आता है, ऑरेंज रफी आता है, ऐसे बहुत सारे मर्क्यूरी रिच फिश है। बेसिकली मैं फिशेटेरियन नहीं हूँ इसलिए मुझे उनके नाम इतने डिटेल में नहीं पता है, लेकिन ये जो सब मर्क्यूरी रिच फिश है वो सी फूड में आते हैं, और जो रूटीन मार्केट में अवेलेबल फिश है वो जो है वो लो मर्क्यूरी फिश रहते हैं जो आप सेफली खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है कि प्रेगनेंसी में फिश खा सकते क्या, कौन से फिश खा सकते कौन से नहीं खा सकते, वो वीडियो आपको अगर समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को देखने को बोलो। थैंक यू।